हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। अज दी आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करन जा रहे हैं क्लास 6th, 7th, 8th ते 9th अकाल अकैडमी दे विच जो नैक्सट मंथ तो तुहाडे पोस्ट मिड टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं उनका जो ब्लू प्रिंट है उस दे बारे अज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। किहड़ा चैप्टर आएगा, किहड़ा चैप्टर किन्ने मार्क्स दा आएगा, किन्ने क्वेश्चन आउणगे, किन्ने मार्क्स दे होणगे टोटल, मतलब तां उस चीज़ दे बारे आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। 6th, 7th, 8th, 9th क्लासां दे बारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे वो भी आप डिस्कस करांगे। तो इस तो बाद सैंपल पेपर जरूर आप बनावांगे हरेक क्लास के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर वो तुसी साड़ी ऐप तो डाउनलोड कर सकोगे। 2 दिन बाद ट्यूसडे तो तुहानू सैंपल पेपर अवेलेबल होंगे अपनी ऐप, जिंदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है, उत्थों तुसी सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो जां MCQ वगैरह तुसी उत्थों डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला क्लास 6 के बारे डिस्कस करते हैं। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ 40 नंबर का पेपर होएगा, टोटल मार्क्स होंगे 40, 1.5 घंटे का पेपर होएगा। ओके, एग्जाम अपने स्टार्ट होंगे नैक्सट मंथ, मे बी फस्ट वीक तो स्टार्ट होंगे या सैकेंड वीक तो स्टार्ट होंगे। तो जो पहला चैप्टर अपने को, पहला चैप्टर अपने को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चैप्टर अपने को सब तो पहले नंबर पर। ओके, जिंदे विचों टोटल क्वेश्चन आने अपने को, 2 क्वेश्चन आने एक एक नंबर के, 3 क्वेश्चन आने 2 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, मतलब इस चैप्टर की वेटेज है अपने को 11। सेम डेसीमल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। ये भी किन्ने नंबर का है, 11 नंबर का। ये चैप्टर नंबर 6 है, ये चैप्टर नंबर की है 5 है। ओके, तो इस चैप्टर दोवें चैप्टर टोटल 22 नंबर के हो गए फ्रैक्शन के विचों ते डेसीमल के विचों। उस तो बाद आ गया रेशियो एंड प्रपोर्शन जो चैप्टर नंबर 9 है, इनकी वेटेज घट है, ये टोटल 8 मार्क्स का आएगा। ओके, इन अपने को एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो लास्ट चैप्टर अपने को पैरीमीटर एंड एरिया, पैरीमीटर एंड एरिया दे विच्चों अपने को टोटल 3 MCQ आउणगे, 2 क्वेश्चन आउणगे 2 2 मार्क्स दे, ते 1 क्वेश्चन आएगा अपने को 3 मार्क्स का। तो कुल मिला के अपने को जो MCQ आउणगे 2 2 4 1 5 5 ते 3 की है 8 8 अपने को MCQ आउणगे जो कि है 1 1 मार्क्स दे आउणगे। उस तो बाद अपने को 6 ते 4 10 10 क्वेश्चन आउणगे अपने को 2 2 मार्क्स वाले। ओके, 8 क्वेश्चन आउणगे 1 1 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चन आने 2 2 मार्क्स के, तो उस तो बाद 4 क्वेश्चन आने अपने को 3 3 मार्क्स के। ओके, इन्हों के ऑप्शन जरूर आने कि जे क्वेश्चन पहला नहीं आता तो तुम दूजा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल अपने को 18 ते 4 22 22 क्वेश्चन आने अपने को जो जिन्हों की वेटेज टोटल होएगी 40। ओके, टोटल मार्क्स होने अपने को 40, 4 चैप्टर है 40 मार्क्स है, पहला चैप्टर 11 का, दूजा 11 का, उस तो बाद 8 ते लास्ट कितना आ गया 10 आ गया। ओके, तो यह अपने को चैप क्लास 6 के लिए 4 चैप्टर फ्रैक्शन डेसीमल रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो लास्ट में की आ गया पैरीमीटर एंड एरिया। इनका ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आप सैंपल पेपर तैयार करा जो तुम किया ट्यूजडे तो अपनी ऐप के उपरों डाउनलोड कर सकोगे ताकि अंदाजा हो जाए एग्जाम किस तरह का आएगा। हो सकता है अपने सैंपल पेपर के 20 मार्क्स का पेपर एज इट इज आ जाए। ओके, हुण आप डिस्कस करते हैं क्लास 7 के लिए। क्लास 7 के अपने को सेम एज इट इज़ 40 मार्क्स का पेपर होएगा जो कि 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर का। ओके, चैप्टर अपने को 5 है, ज़्यादा है अपने को वैसे तो, ठीक है, जिंदे विच पहला है अपने को एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर के 2 MCQ, 2 2 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 3 नंबर का क्वेश्चन, टोटल आएगा अपने को 9 मार्क्स का। उस तो अगला चैप्टर ट्रैंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर अपने को लास्ट समेस्टर के भी सीगा, अद्धा चैप्टर लास्ट में सीगा, अद्धा इस बार है। इनके 1 MCQ आएगा, 2 क्वेश्चन आने 2 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। उस तो बाद आ गया कॉन्गुरेंसी ऑफ ट्रैंगल, ये चैप्टर थोड़ा जहा टफ है इसलिए 6 नंबर का ही आएगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 2 का, तो 1 ही आएगा अपने को 3 मार्क्स का। उस तो अगला चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पैरीमीटर एंड एरिया, तो सब तो वड्डी गल की है कोई भी वड्डा क्वेश्चन इन दे विचों नहीं बनेगा, 3 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन अपने को नहीं बनेगा, 2 क्वेश्चन आने MCQ, 3 क्वेश्चन की आने अपने को 2 2 मार्क्स वाले, टोटल 8 मार्क्स का होएगा पैरीमीटर एंड एरिया। डेटा हैंडलिंग थोड़ा जहा सौखा चैप्टर है, इन दे विचों 1 क्वेश्चन की है 3 मार्क्स का बनेगा, 2 क्वेश्चन MCQ, 2 क्वेश्चन 2 2 मार्क्स के, तो ये अपने को टोटल 9 मार्क्स का। तो जो बच्चे स्लो लर्नर है थोड़ा घट तैयारी हो सकती है जिन्हों को, वह की है चैप्टर नंबर 5 उसते चैप्टर नंबर 16 ये चंगी तरह पढ़ लैन, 9 ते 9 18 मार्क्स हो गए, तुम पास होने सिर्फ 14 मार्क्स लेने, जे तुम यह 2 चैप्टर भी चंगी तरह कर ले तो ग्रंटड तुम पास होवोगे, ठीक है, इसलिए 2 चैप्टर चंगी तरह तैयार करो, बाकियों भी पढ़ा थोड़ा पढ़ो थोड़ा थोड़ा, पर इन्हां 2 चैप्टर चंगी तरह तैयार करो ताकि तुहाडा की है फेल तुसी ना हो सको, क्योंकि 2 चैप्टर 18 मार्क्स दे आ, पास होने आपां नूं 14 मार्क्स चाहिए आ,
इसलिए दो चैप्टर चंगी तरह तैयार करो। ओके, उस तो अगली क्लास आ गई अपने को एट्थ। एट्थ क्लास के अपने को है पांच चैप्टर है अपने को, ज्यादा चैप्टर ने अपने को। पहला एक्सपोनेंट आ गया, फिर फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ते लास्ट वाले दो तो बिल्कुल सिंपल है। ये दो तो फ्री वाले मार्क्स है, ठीक है। ये दो चैप्टर है जो लास्ट वाले 13वां ते 14वां, ये फ्री वाले आ, आराम नाल तुसी 8th क्लास दे विचों पास हो सकते हो, ठीक है। जिहड़ा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर है, उनके विच तीन एमसीक्यू, दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स दे, एक तीन मार्क्स का आएगा। जो तीन मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये 2.2 दे विचों ही आएगा, 2.2 दे विचों पक्का क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्वेश्चन 6 एंड 7 दे विचों कोई एक, जां एग्जांपल है 2.2 तो पहला उन्हां विचों क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टराइजेशन सौखा चैप्टर है, 8th चैप्टर है, दो ही एक्सरसाइज है जो 3 मार्क्स वाला है अपने कोल की है, 8.2 दे विचों बनेगा क्वेश्चन। ओके, वो भी 4th पार्ट दे विचों बन दे ज्यादा चांसेस है। उस तो बाद आ गया डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जिंदे विच एक एमसीक्यू, दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स दे, ते एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनेगा। इन्हें विचों जो 3 मार्क्स वाला है वो अपने को बन सकता है टाइम एंड वर्क 10.3 दे विचों, मतलब एक तो बंदा इन्ने दिनों च काम करता है, बी इन्ने दिनों च काम करता है, जेकर दोवें मिलकर काम करन तां किन्ने दिनों च काम खत्म होएगा, कुछ इहो जिहा क्वेश्चन आउण दे चांसिज है। ए वाले तो फ्री वाले मार्क्स ने, जो ए वाले ने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप ते प्रैक्टिकल जमैट्री। इहदा लिंक जो चैप्टर का विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पै है, उनके विचों ही आएगा, एक भी क्वेश्चन उनके विचों बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जिंदे विचों तुहानू पूछा जाएगा फेस किन्ने होंदे आ, एज किन्ने होंदे आ, वर्टेक्स किन्ने होंदे आ, तो एक अपने को जिहड़ा फॉर्मूला है उनके उपर क्वेश्चन जरूर बनेगा, वी प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। इनके उपर क्वेश्चन दो पक्के बनगे। ओके, सो इनू चंगी तरह जरूर तैयार करना है। बाकी मैं सैंपल पेपर तुहानू प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी, ताकि तुसी पेपर तो पहला चंगी तरह तैयारी कर सको। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सब तो सौखा चैप्टर, कंपास ते तुसी डी दी हेल्प नाल इहनूं की आ तुसी सॉल्व कर सकदे हो। ओके, बहुत सौखा चैप्टर है, सिर्फ आपां डायग्राम बनाउणा है, क्वाड्रीलेटरल। जो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जां तां आपां नूं स्केयर बनाउणी आएगी जां आपां नूं रैक्टेंगल बनाउणी आएगी, ठीक है। इन्हां दोवां दे विचों 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पक्का बनेगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ते विजुअलाइजिंग दा सॉलिड शेप, जिहड़े बच्चे स्लो लर्नर है वो ये दो चैप्टर चंगी तरह करो, ते नाल एक्सपोनेंट एंड पावर दी 2.1 ते 2.3, सिर्फ इन्ना ही कर लो तुसी पास पक्के होवोगे, गरंटी है मेरी, ठीक है। जेकर तुसी 2.1 ते 2.3 चंगी तरह करो, 13वां ते 14वां चैप्टर चंगी तरह करो, तां तुहाडे आराम दे नाल 15 तो लैके 20 दे विचाले मार्क्स आउणगे, क्योंकि पास होने लई आपां नूं 14 चाहीदे आ। जेकर तुसी स्लो लर्नर हो, घट मैथ आउंदा थोड़ा जिहा, तां इह दो चैप्टर ते इक इहदी दो एक्सरसाइज है, 2.1 ते 2.3 चंगी तरह जरूर करो। ओके, सारे चैप्टरां दा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच पिआ, उत्थों तुसीं की है देख सकते हो। ओके, उस तो अगला क्लास है अपने को 9th। 9th दे लई पहला तो उम्मीद की जा रही सी एग्जाम नहीं होणगे, सीधा मार्च में होणगे, पर 9th दे एग्जाम भी होणगे। दसंबर दे विच 4 चैप्टर है अपने को, चारे दे चारे थोड़े जे टफ चैप्टर है, इसलिए ध्यान नाल पढ़ना पएगा। टोटल 40 मार्क्स दे होणगे 1.5 आवर दे। ओके, पोलीनोमियल 12 नंबर का, क्वाड्रीलेटरल औखा चैप्टर है इसलिए 8 मार्क्स का आएगा, सर्कल ते कंस्ट्रक्शन की अपने को 10 10 मार्क्स ईच आउणगे। तां जो तुसी स्लो लर्नर बच्चे आ उन्हां लई मेन चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन नूं चंगी तरह पढ़न, ते नाले जिहड़े सर्कल दे विचों है, सर्कल दे विचों 10.8 थ्योरम तां ग्रंटड, मेरी ग्रंटी है 10.8 थ्योरम तां एग्जाम दे विच आउणी आउणी है। ओके, उस तों बिना 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 ते क्वेश्चन नंबर 14 ये भी पक्का ही आएगा, गरंटी है। 2.5 का 13वां ते 14वां क्वेश्चन पक्के आने चांसिस है, क्योंकि हर बार एग्जाम के आते ही आते हैं। उस तो बिना 2.4 एक्सरसाइज का 4था ते 5वां क्वेश्चन, इनू चंगी तरह जरूर कर लियो, ये भी एग्जाम के 3 मार्क्स का पक्का आ सकता है। ओके, उस तो बिना 2.5 एक्सरसाइज तो वैसे सारी इंपोर्टेंट है, चंगी तरह कर लोगे। क्वाड्रीलेटरल चैप्टर के मिड पॉइंट थ्योरम, इनू चंगी तरह जरूर करना, ठीक है, जो मैं लिख के दे रहा इतने उन्होंने तुम चंकी तरह जरूर पढ़ना। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम तो छड़नी नहीं, इनू तो करना ही करना जो मर्जी हो जाए, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम तो तुम चंकी तरह जरूर करोगे। उस तो बिना जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के जे तुम पास होना, ठीक है, तो तुम क्या 11.2 एक्सरसाइज चंकी तरह करोगे, जिंदे क्वेश्चन नंबर 5वां ते एक एग्जाम्पल नंबर है सब तो उपर 2.11.2 के जस्ट उपर एक एग्जाम्पल है,
जो कि है 11.2 दे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के नाल दी है, उन्होंने चंगी तरह जरूर करना है। ओके, फिफ्थ है तो एक फोर्थ है, इन्होंने चंगी तरह जरूर करना है। कंस्ट्रक्शन चंगी तरह करो, 10.8 थ्योरम चंगी तरह करो, 2.5 एक्सरसाइज का 13वां 14वां चंगी तरह करो, उस तो बिना मिड पॉइंट थ्योरम चंगी तरह करो, तो एक 2.4 एक्सरसाइज का चौथा ते पंजवां पार्ट। इन्हां विचों आराम नाल तुहानू 20 नंबर का पेपर मिल देखण नू मिलेगा। पास ओनली तुहानू 14 चाहिए आ, जेकर तुसी 20 का भी करोगे चंगी तरह तो तुसी 14 15 5 16 17 नंबर आराम नाल लै सकदे हो। ओके, तो यह सी अपना ब्लू प्रिंट अज का, जो कि क्लास 6 क्लास 7 8 9 ते 10 दे लई है। ओके, सो क्लास वाइज ब्लू प्रिंट प्रोवाइड किया गया, जल्दी तुहानू सैंपल पेपर मिलणगे जो अपनी ऐप दे उपर अवेलेबल होणगे, ते नाल दी नाल यूट्यूब दे उपर भी एक्सप्लेन करके अवेलेबल होणगे। ओके, जेकर कोई भी प्रॉब्लम आउंदी है तां कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं कमेंट करके आपदी प्रॉब्लम दे बारे पुछ सकदे हो। थैंक यू वेरी मच।